फंडामेंटल नजरिया देने के लिए आज शो में मयूरेश जोशी भी बने हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मयूरेश, एक नज़र आपने अगर इंश्योरेंस स्पेस पे डाली हो, जो नवंबर में जो लाइफ इंश्योरेंस का डेटा आता है उसमें LIC ने तो काफ़ी अच्छे नंबर प्रेजेंट किया है, लगभग 30% का AP रहा है। इनफैक्ट HDFC लाइफ ने आउट परफॉर्म किया है पूरे स्पेस को, और SBI लाइफ के भी नंबर्स ठीक रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो दूसरे प्लेयर्स रहे हैं वहाँ थोड़ी डिक्लाइनिंग रही है, लेकिन इंश्योरेंस स्पेस में एक्शन काफ़ी है। ये स्टॉक्स में काफ़ी रिवाइवल भी देखने को मिल रहा है, आपने स्टडी किया इस स्पेस को? गुड मॉर्निंग प्रियंका। नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक दो चीजें हो रही हैं। एक, आई थिंक जो नए इंश्योरेंस प्रीमियम की हम बात करते हैं, जो न्यू इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, वहां पे एक स्टेबिलिटी देखने मिली है। और जो पुराना इंश्योरेंस है, जो री इंश्योरेंस प्रीमियम जिसे हम कहते हैं, वहां पे आई थिंक एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है। हैविंग सेड दैट, कोविड काल में जो इनको पॉलिसीज के ऊपर क्लेम्स सेटल करने पड़ रहे थे, to a large extent, all that damage is behind us from a balance sheet perspective. तीसरा आप देखिए जो इनकी embedded value है, इसमें अच्छा खासा सुधार देखने मिला है, और solvency ratio जो बहुत अहम होता है balance sheet gauge करने के लिए, ठीक ठाक रहा है। The most important aspect in all this, Priyanka, is जो operating expenses to total income ratio रहता है, इसकी अगर हम stack up करें तो SBI Life probably stands out to be the best, कहीं 6-7% के ऊपर है in terms of the total OPEX. Compared to an ICICI Pru and HDFC Life in life insurance companies. दूसरा आप देखें, I think जो protection plans होते हैं और non participating products रहते हैं, उनकी margins अच्छी रहती है, और इसलिए value added margins या VAR margin जिसे हम कहते हैं sorry VAR नहीं जिसे हम कहते हैं जो VNB margins हम कहते हैं, वहां पे I think एक अच्छा खासा सुधार को देखने मिला है। तो कहीं ना कहीं I think space looks good. एक अंडर परफॉर्मेंस से आ रही है विद इन द स्पेस। SBI लाइफ वाज द बेस्ट परफॉर्मर आउट ऑफ ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज, और हमें लगता है आई थिंक स्ट्रेंथ के हिसाब से और नंबर्स के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के हिसाब से, अभी भी शायद द बेस्ट प्लेस यही है। कुछ 5% ऑफ है फ्रॉम पिवट ऑन द ओनली लेंस, तो अगर 5% की थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए तो मुझे लगता है मोमेंटम इसमें आ जाएगा। तो एक कंडीशनल अप्रोच रखना पड़ेगा, थोड़ी स्ट्रेंथ और आनी पड़ेगी SBI लाइफ में। LIC की नंबर्स भी बहुत बढ़िया थे, बट कहीं ना कहीं अभी भी आई थिंक थोड़ा प्राइस स्ट्रेंथ में लैग कर रहा है। तो आई थिंक आई हैव टू हैव अ कंस्ट्रक्ट, SBI लाइफ कंपैरेटिवली बेस्ट प्लेस है, बट स्टिल 5% अवे फ्रॉम की पिवट लेवल्स ऑफ द इंडेक्स। ठीक है, डन। थोड़ी देर पहले प्रशांत अपनी कॉल्स दे रहे थे, उसमें SCL टेक के बारे में उन्होंने एक बाय कॉल दी है, एक IT की कंपनी है, और उसमें खबर यह है कि उन्होंने इंटेल के साथ एक करार भी किया है, इसलिए वो एक ट्रेडिंग प्लेट्स जो हमने टारगेट और स्टॉप लॉस में डाले वापस भी एक बार आप दिखा सकते हैं। साथ ही एक और शेयर है जिसपे आज पता करना ज़रूरी है, थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है, वो है ल्यूमिक्स इंडस्ट्रीज। एक बार खुश जरा आप इस शेयर को चेक कीजिएगा, ये अपने पुणे वाले प्लांट में जो कैपेक्स है यानी कि कारोबार विस्तार है उस पर 175 करोड़ रुपये खर्च कर रही है और बढ़ा रही है कारोबार को, ऑटो एंसिलरी है ल्यूमिक्स इंडस्ट्रीज। जरा चेक करके बताइए इसमें क्या करना चाहिए, खबर बड़ी है मार्केट कैप के हिसाब से। देखिए ओवरऑल सेटअप इसका डिम्पी काफी अच्छा है, जो रनअप हम देख रहे हैं ये कुछ समय से शुरू हुआ है और बरकरार है। अगर मैं देखूं तो करीब मई के आसपास से जो स्टॉक में रनअप आया है वो प्रैक्टिकली वन वे ऊपर ही चला है। एक माइनर सा पॉज था समवेयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर बिगिनिंग, बट वो भी एक बेस फॉर्मेशन के तौर पर ही साबित हुआ और एक अच्छे खासे वॉल्यूम स्पर्ट के साथ स्टॉक ने जो जंप लगाया है उसे मेंटेन करके चल रहा है। अब अगर मैं देखूं तो 2000 के लेवल्स जहां से इसने हाई बनाया था एक डिप दिया है, लेकिन पिछले 3 सेशन से यही 1800-1810 के जो लेवल्स हैं इनको रिस्पेक्ट करके एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है। सो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यहां से हम एक छलांग ऊपर की तरफ फिर से लगा सकते हैं। जिस तरीके का सेटअप हम देख रहे हैं, जिस तरीके के मूव्स इस स्टॉक में आते हैं, हो सकता है कि 2000 के लेवल्स बहुत जल्दी स्टॉक में देखने को मिल जाएं। यहाँ पे अगर आप फ्रेश एंट्री लें तो 1800 के जो जोन्स हैं इन्हीं को अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। पे ऑफ रेशियो यहाँ पे आपके लिए काफी फेवरेबल हो गया है बिकॉज ऑफ द डिप जो हमने स्टॉक में देखा है इन द लास्ट 4-5 सेशंस। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, इसे भी आप बाय करके चल सकते हैं। खरीदारी के मौके